हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं वंदना और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना भारद्वाज पे। इसके अलावा हिमाचली लाइफस्टाइल देखने के लिए मेरे ब्लॉग चैनल पे जाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, आप बहुत बार बोल चुके हो कि कोई ऐसा ऑयल बताइए जिससे कि आपके बालों की सारी समस्याएं खत्म हो जाए, चाहे से वो डैंड्रफ की है, चाहे से आपके हेयर फॉल की है, या मतलब आपके बाल ग्रो नहीं हो रहे हैं। तो सारी समस्याओं का एकमात्र उपाय आज मैं लेके आई हूं। तो क्या करना है आपको, तो मेरे पास ये चार हार्बोनिक के कैरियर ऑयल्स हैं। पहला है शीशम सीड्स कैरियर ऑयल, दूसरा है कैस्टर कैरियर ऑयल, तीसरा है कलौंजी कैरियर ऑयल और चौथा है फ्लैक्स सीड्स कैरियर ऑयल। तो ये जो कैरियर ऑयल्स हैं, इनका अपने मतलब अलग अलग का ही अपने अपने अलग अलग गुण है। तो सबसे पहले बात करें सीसम सीड्स ऑयल की। तो सीसम में विटामिन ई, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो मतलब ये जो कैरियर ऑयल है, इन्हें ना सिर्फ आप अपने बालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी स्किन के लिए भी आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर कैरियर ऑयल जो है किसी भी एसेंशियल ऑयल के साथ मिक्स हो जाते हैं ना, तो फिर इनकी गुडनेस दो गुना बढ़ जाती है। इसीलिए मतलब मैं ये बता रही हूं आपको कि रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के साथ हम इसे मिक्स करेंगे। तो इसी मतलब जैसे मैंने आपको इसके बारे में बताया सीसम सीड्स कैरियर ऑयल का, वैसे ही कैस्टर ऑयल आपने बहुत बार सुन रखा होगा। इसमें भी विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। और कलौंजी का तो आपको पता ही है कि बालों के लिए मतलब वरदान है, तो ब्लैक सीड्स के नाम से भी जानी जाती है। और बहुत बार मैंने इसके आपके साथ पैक और ऑयल नेचुरली आप किस तरह से बना सकते हो वो सारी चीजें शेयर कर चुकी हूँ। बात करें फ्लैक्स सीड्स का, तो फ्लैक्स सीड्स ये तो मतलब कि अपने ही आप में इसके बहुत सारे गुण हैं। डॉक्टर्स बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में इसका यूज कर रहे हैं, जैसे शुगर हो गई, कैंसर जैसी बीमारियों में इसका मतलब बहुत यूज हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये सारे गुणों की खान है। जब ये सारे के सारे मिल जाएंगे आपस में और साथ में एक और एसेंशियल ऑयल की गुडनेस आ जाएगी इसमें, तो बहुत ही फायदेमंद आपके बालों के लिए हो जाएगा। तो कैसे बनाना है इसका ऑयल, पहले तो बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले ये ले लिया मैंने कलौंजी सीड्स कैरियर ऑयल। करना क्या है, इस तरह से बाउल ले लीजिए आप, सबको आपने इक्वल क्वांटिटी में लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से एक चम्मच आप ले लीजिए कलौंजी ऑयल का। कलौंजी ऑयल किस तरह से दिखाई दे रहा है वो भी आप देख ही रहे हो, ब्लैक ब्लैक, तो ब्लैक सीड्स ही होते हैं ये। देखिए, तो ये ले लिया मैंने कलौंजी ऑयल। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये देखिए, ये है कैस्टर ऑयल। तो अगेन कैस्टर ऑयल का भी हम इसी तरह से एक पूरा चम्मच लेंगे, एक चम्मच ये कैस्टर ऑयल कुछ इस तरह का, मतलब एकदम तेल की तरह ही ट्रांसपेरेंट सा दिखाई दे रहा है, ये भी हमने इसमें डाल दिया है। इसके बाद नेक्स्ट ये फ्लैक्स सीड्स कैरियर ऑयल, तो इसका भी अगेन हम एक चम्मच लेंगे। सारे के सारे जितने भी चम्मच हैं, ऑयल है, उनका बराबर ही क्वांटिटी में हम ले रहे हैं। तो ये आपको कुछ इस तरह से, जैसे सरसों का तेल होता है ना, थोड़ा पीला पीला, उस तरीके का दिखाई दे रहा है, तो ये भी हमने ले लिया। और इसके बाद फिर बात करते हैं ये देखिए सीसम सीड्स कैरियर ऑयल। तो अगेन ये भी एकदम ट्रांसपेरेंट सा है, पानी की तरह ही मान के चलिए। तो इस तरीके का ये सारे चारों के चारों ऑयल मैंने ले लिए हैं। और इसके बाद ये देखिए, ये है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। तो अब इसके लगभग 5 से 6 ड्रॉप्स हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना सा ही। ये देखिए, तो ये मैंने इस्तेमाल कर लिया है। और अब आपको कर लेना है इन सारे ऑयल्स को अच्छी तरह से मिक्स। इस तरह से आपने मिक्स कर लिया और बस ये आपने अब कुछ भी नहीं करना, अपनी स्कैल्प पे करना है अच्छी तरह से मसाज। अच्छे रिजल्ट के लिए लगभग 5 से 6 घंटे आप अपने बालों में रखिए, इसका कोई भी नुकसान नहीं होता। ऑयल लगाने से हमारे बालों में फायदे ही फायदे होते हैं और नुकसान नहीं होता। तो जी, अगर आपको डेंड्रफ की समस्या है उसके लिए भी बेनिफिशियल है, और अगर आपको दो मुंह है बालों की समस्या है तो आप अपनी पूरी लेंथ में भी लगाइए, खासकर जहां पे आपको इस तरह की समस्या है वहां पे अच्छी तरह से रब कीजिए। तो आप चलिए एक बार मैं आपको लगा करके भी दिखा देती हूँ। पहले तो अपने बालों में अच्छी तरह से कॉम कर लीजिए ताकि आपके बाल बिल्कुल भी उलझे ना लगाती बार। और फिर जो भी हमने ये ऑयल का मिक्सचर लिया है, तो इसे हम अपनी स्कैल्प पे अच्छी तरह से मसाज करेंगे, बिल्कुल हल्की हाथों से, अपनी फिंगर टिप की हेल्प से। और फिर इस तरह से बालों को उल्टा करके भी अच्छी तरह से आप मसाज कीजिए। बाद में फिर अपने बालों को अच्छी तरह से बांध दीजिए, आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हो।
चाहे से ओवरनाइट या फिर 2 से 3 घंटे आपने जैसे भी इस्तेमाल किया, उसके बाद देखिए क्या करना है। ये देखिए, ये अगेन हार्बोनी का ही पर्ली एलोवेरा एंटी हेयर फॉल शैम्पू है। इससे आपको अपने बालों को साफ करना है। ये जो जितने भी मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाए सबके सब ऑर्गेनिक है, आप बेझिझक इन्हें यूज कर सकते हैं। इनके सबके सब के लिंक मतलब आप इनको डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा। टाइटल को क्लिक करते ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है, तो आप चेक कीजिएगा और बस फिर आपने इससे शैम्पू कर लेना है। तो अगर आप रेगुलरली ये वाला काम करते हो ना, तो आपका जो डैंड्रफ या फिर हेयर फॉल या फिर कोई भी आपके बालों की समस्या है, हेयर फॉल की समस्या है, बाल नए उग नहीं रहे हैं, तो वो सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाती हैं। क्योंकि देखिए इतने सारे ऑयल जब एक साथ काम करेंगे तो आप समझ ही सकते हो कि कितना अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो बस ये आज के वीडियो की कर रही हूँ यहीं पे एंडिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। और वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्कार।